जस्टिस एनवी रमना ने देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 अप्रैल को उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस रमना ने सीजीआई एस ए बोबडे की जगह ली है। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो गए। बोबडे ने ही जस्टिस रमना के नाम का प्रस्तावित राष्ट्रपति को भेजा था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज जो सीजीआई बने। 1983 में जस्टिस रमना ने वकालत की शुरुआत की। 3 ऐतिहासिक फैसलों में रहे जस्टिस रमना। जस्टिस रमना ने 10 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन पर तत्काल समीक्षा करने का फैसला सुनाया था। वे उस ऐतिहासिक बेंच में भी शामिल थे जिसने 13 नवंबर 2019 को सीजीआई के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला दिया था। जस्टिस रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जनवरी 2021 में फैसला दिया कि किसी घरेलू महिला के काम का मूल्य उसके ऑफिस जाने वाले पति से कम नहीं है।